देख रहे हैं कहीं ज़्यादा कहीं कमी, व्यवस्था मोटा मोटी सही है बहादुरगंज में मोटा मोटी, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है बिहार सरकार की तरफ से। सबसे पहले इन लोगों को टेस्टिंग होना चाहिए था, टेस्टिंग के माध्यम से जो भी स्कूल जो भी मदरसा जो भी संस्था में इन लोगों को रखा गया है एक पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। अभी हम दसिया टोली में हैं, यहाँ कोई पदाधिकारी नज़र नहीं आ रहा है, यानी राम भरोसे, यानी कोई परिवार आके यहाँ मिल के चले जाए कोई मतलब नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, सोशल डिस्टेंस के नाम पर जो हम लोग ये कर रहे हैं, यानी बिहार सरकार जो ये कर रही है लॉकडाउन के नाम पर क्वारंटाइन सेंटर, इससे अच्छा तो घर चले जाए भाई। आप यहाँ कोई सुविधा नहीं करिएगा तो फिर यहाँ रहेगा काहे के लिए, घर में जाके अपना बाल बच्चा से मिल के रहेगा। आप यहाँ खाने के लिए अभी नहीं मिला है, अभी वीडियो साहब से बात हुआ, वीडियो साहब बोला कि अभी खाना आ रहा है, तो चलिए खाना का अभी आया ही है लोग कल ये लोग, लेकिन व्यवस्था में कमी है इसमें कोई नहीं दो कोई बोल नहीं सकता है। कल से खाना सुधरा है, इससे पहले जो है खाना जो है जानवर के तरह खिलाया जाता था और इल्लुओं के साथ जानवर के तरह सलूक किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों को भी हौसला देने का ज़रूरत है। ये लोग कोई जानवर नहीं है, ये लोग कोई अपराधी नहीं है, इन लोगों को हिम्मत देने का ज़रूरत है। बिहार सरकार को चाहिए कि अपने पदाधिकारी को नियुक्त करके सबको हिम्मत देने का काम करे और इन लोगों को 14 दिन के बाद इन लोगों को घर भेजा जाए, तो इन लोगों को डिसिप्लिन के दायरे में बता देना चाहिए कि 6-7 दिन आपको घर में रहना चाहिए। इन लोगों के साथ सही व्यवहार करिएगा तो उनको भी हिम्मत होगा। वो लोग अभी डरा हुआ है कि कहीं हमको कोरोना नहीं हो, तो हम लोगों को हिम्मत देना है और उन लोगों से भी हमको कहना है आप लोग भी हिम्मत से रहिए, आप लोगों को भी डरना नहीं है, एकदम हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी पदाधिकारी आप लोगों के साथ अगर गलत अन्याय करेगा हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो हम नहीं बख्शेंगे। यहाँ का सुविधा हमको ठीक नहीं लगा, हम बात करते हैं वीडियो साहब से, अगर सुधार देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे, हम इतना कमज़ोर नहीं है। वहाँ को टीचर ने आपको हाँ कर दिया एकदम कर दिया।